अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं मसाला डोसा। थ्री टाइप्स मसाला डोसा बनाएंगे हम, एक प्लेन डोसा, दूसरा मसाला डोसा और तीसरा हम शेजवान चीज़ डोसा बनाएंगे। और मैं आपको बैटर भी बनाना बताऊंगी, इडली और डोसे का दोनों का बैटर बनाना बताऊंगी मैं आपको। तो ये एक ग्लास मैंने लिया है, उस ग्लास से दो ग्लास मैंने चावल लिए हैं और उसी ग्लास से आधा ग्लास मैंने ये सफ़ेद उड़द की दाल ली है। इस तरीके की होती है ये दाल। ओवरनाइट मैंने चावल और दाल को भिगा कर रखा है, भीग चुके हैं दाल चावल अच्छी तरह से। अगर आप एक ग्लास चावल ले रहे हैं तो पाव ग्लास दाल लीजिएगा, दाल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेजरमेंट आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपका डोसा और इडली अच्छे से बनेंगे। अगर दाल ज़्यादा हो गई तो डोसा अच्छा नहीं बनेगा, ना खाने में अच्छा लगेगा और ना सही से बनेगा, टूट जाएगा। तो ये देखिए, भीगने के बाद ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं और नरम भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम दाल को ग्राइंड कर लेंगे, जार में डाल देंगे और उसमें पानी ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, स्मूथ पीसा है मैंने इसको इस तरीके से, और गाढ़ा ही रखा है क्योंकि इडली का बैटर गाढ़ा होता है और डोसे का थोड़ा पतला होता है, तो हम दोनों इसी में बनाने वाले हैं, तो इसने थोड़ा गाढ़ा ही रखा है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब सेकंड हम चावलों को ग्राइंड कर लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे। थोड़े थोड़े पोर्शन में ग्राइंड कीजिए और चावलों को ग्राइंड होने थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, इतना स्मूथ पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है और इसको जो हमने दाल पीसी थी उसी में इसको मिक्स कर देंगे। तो ये सारा बैटर मैंने पीस लिया है, ये देखिए इतना गाढ़ा रखा है। इडली का बैटर इसी तरीके का होता है, पतला बैटर कर दोगे तो इडली नहीं बनेगी। इसमें सॉल्ट वगैरह मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ठंडी का टाइम है, सॉल्ट डालने से ये राइज नहीं होगा बैटर हमारा। तो इसको हम कवर कर देंगे और ओवरनाइट के लिए रख देंगे, बाहर ही रखना है आपको किचन टेबल पर। तो हम कोकोनट चटनी बना लेते हैं। तो ये मैंने गीला वाला नारियल ले लिया है, बड़े साइज़ का आधा नारियल है, सात हरी मिर्चें हैं। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम लीजिए। टू टेबल स्पून ये चना लिया है जो छिला हुआ और आधे आधे टुकड़ों में आता है, इसको आप चाहे तो रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तड़के के लिए 1 टीस्पून राई, कड़ी पत्ते और ये एक सूखी लाल मिर्ची ली है मैंने। तो सबसे पहले हम जार ले लेंगे, उसमें कोकोनट को डाल देंगे और ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। हरी मिर्चें डाल देंगे और जो हमने चना लिया है वो डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे हम, आप चाहे तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, दही या फिर नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम पानी डाल देंगे 1/3 कप या फिर 1/2 कप पानी डाल दीजिए, जितनी आपको पतली चटनी रखनी है या गाढ़ी उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इतनी गाढ़ी रखी है और स्मूथ पीस लिया है इसको मैंने। अब तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने तेल लिया है 2 बड़े चम्मच, 2 टेबल स्पून, उसमें राई, कड़े पत्ते और जो सूखी हुई लाल मिर्ची हमने ली थी वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से तड़का लेंगे। ये देखिए, तड़का हमारा बनकर रेडी है, इसको चटनी में डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़े की हमारी चटनी कोकोनट बनकर रेडी है। अब ये तड़के को हम सारी चटनी में मिला लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो आप ये चटनी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो अब हम मसाले डोसे वाला जो आलू की भाजी होती है वो हम बनाएंगे। उसके लिए 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं, 1/2 टीस्पून से कम, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी राई और कड़ी पत्ते डालेंगे। इनको अच्छे से तड़का लेंगे वरना राई कच्ची रह जाती है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे हम प्याज को। तो ये देखिए, प्याज हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे इसमें। हरी मिर्ची के और लहसुन के पेस्ट से भाजी का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। और 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डालेंगे हम। इसको भी हल्का सा सॉटे कर लेंगे, हरा धनिया डाल देंगे चॉप किया हुआ।
फ्लेम को लो रखना है वरना हल्दी जलने लगेगी। तो इसको हल्का सा हम सॉटे कर लेंगे। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, दो मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने उबाल कर उसको थोड़ा मैश कर लिया है हाथों से। तो इसको ऐड कर देंगे हम इसमें और इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मैश भी करते जाएंगे। तो इस तरीके से स्पून से इसको मिक्स करते जाएंगे और दबाते हुए इसको मैश कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़े की हमारी ये आलू की भाजी बनकर रेडी है। और ये देखिए ओवरनाइट के बाद ये अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुका है, देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से ये राइज हो चुका है। तो इडली के लिए ये देखिए इतना गाढ़ा बैटर चाहिए, पतला कर दोगे तो इडली ख़राब हो जाएगी। इसमें 1.5 टीस्पून अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो रात में ही इसमें सॉल्ट डालकर इसको रख सकते हैं राइज होने के लिए। सॉल्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये इडली के लिए इसमें से आधा ये गाढ़ा वाला हम निकाल लेंगे और डोसे के लिए हम अलग से निकाल लेंगे बोल में। तो ये देखिए डोसे के लिए मैंने अलग से निकाल लिया है, उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है और ये देखिए इसको थोड़ा हम पतला कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में होता है डोसे का बैटर। ये देखिए इस तरीके से होता है, बिल्कुल परफेक्ट। ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहती हुई कंसिस्टेंसी में होना चाहिए इस तरीके का। ये देखिए तो 2-in-1 हमारा बैटर भी बनकर रेडी है। तो अब हम सबसे पहले प्लेन डोसा बनाएंगे, जिसके लिए आप नॉन स्टिक पैन लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। पैन को सबसे पहले तवे को गरम कर लेना है फुल फ्लेम पर। जब गरम हो जाए तो फ्लेम लो कर देंगे और एक स्पून या कोई कटोरी ले लीजिए गोल, जिसका शेप होना चाहिए। सेंटर में बैटर को डाल देंगे डोसे के और हल्के हाथों से बीच से हम स्टार्ट करेंगे इसको राउंड शेप देना। और बिल्कुल भी रुकना नहीं है, चम्मच को हटाना नहीं है, उसको कंटिन्यू राउंड करते जाना है। जब तक पूरा लास्ट तक आपका राउंड शेप नहीं आ जाता तब तक आप चम्मच को नहीं हटाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये वाला मैंने छोटा बनाया है आपको बताने के लिए। तो अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई और इस पर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, थोड़ा स्प्रेड करेंगे, ऑयल को मिक्स फैला लेंगे हर जगह और ये अच्छे से ब्राउन कलर आने तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे। तो ये देखिए ब्राउन कलर आ चुका है, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। डोसा हमारा बनकर रेडी है, बिल्कुल क्रिस्पी सा मज़ेदार सा हमारा प्लेन डोसा बनकर रेडी है। अब हम सेकेंड वाला डोसा बना लेंगे। सेकेंड हम बनाएंगे शेजवान चीज़ डोसा। तो इसके लिए अब मैंने फ्लेम को कर दिया है लो, 1.5 चम्मच जो ये मैंने लिया है, ये बड़ा वाला डोसा बना रही हूँ मैं, इसको भी उसी की तरह हम शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से डोसा बनाना इजी है, बट अगर आप पहली बार बना रहे हो तो 2-3 टूटेंगे आपके, उसके बाद ही अच्छे बनेंगे। बट कोई नहीं, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। फिर अब हम इस पर ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसको हल्के हाथों से फैलाना है, चम्मच को दबाएंगे नहीं वरना डोसा टूट जाएगा। आप मीडियम टू हाई कर देंगे फ्लेम को। ये देखिए कलर आ चुका है हल्का हल्का ब्राउन। अब 1 टीस्पून इसमें डालेंगे शेजवान सॉस। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, शेजवान सॉस काफ़ी तीखा होता है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने शेजवान सॉस इसमें डाल दिया है। अब हम प्रोसेस चीज़ को ग्रेट कर लेंगे इसके ऊपर। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट इतनी काफ़ी होगी इसमें। तो ये डोसा भी बहुत मज़े का लगता है खाने में, आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। पर्सनली मेरा काफ़ी फेवरेट है शेजवान चीज़ डोसा।
तो ये देखिए बनकर हमारा रेडी है। इसको भी हम फोल्ड कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें अनियन भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है ये। अब हम इसको क्लीन कर लेंगे, तवे को टिश्यू से मैंने क्लीन कर लिया है। अब हम बनाएंगे मसाला डोसा। तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे, सेंटर में बैटर को डाल देंगे और सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे राउंड शेप करना, और एंड में जाकर हम स्पून को हटाएंगे, उसके पहले स्पून को नहीं हटाएंगे। तो इस तरीके से फैला दिया है। अब इस पर हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। बैटर डालते वक्त आपको फ्लेम को लो रखना है, और बैटर जब आप पूरा स्प्रेड कर देते हैं उसके बाद आपको फ्लेम बढ़ा देनी है, मीडियम टू हाई कर देनी है। और जब ये इस तरीके का कलर आने लगे ऊपर से गोल्डन ब्राउन, तब इसमें हम ये जो हमने आलू की भाजी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं भाजी। तो ये देखिए मसाला डोसा भी हमारा बहुत ही मज़े का बनकर रेडी है। इसको भी हम डिश आउट कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर पाती हूँ। रेसिपीज़ के काफ़ी मेहनत लगती है सब रेसिपीज़ बनाने में, तो जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। तो ये देखिए हमारे 3 टाइप्स डोसा बनकर रेडी है, प्लेन डोसा, मसाला डोसा और शेजवान चीज़ डोसा और हमारी कोकोनट चटनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।